आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप लंच में, डिनर में या फिर छोटी मोटी भूख लगने पर बनाकर खा सकते हैं। आप इसे टिफ़िन के लिए भी पैक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण, किरण्स कुकिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप इस रेसिपी को परफेक्ट तरीके से बना सकें। एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप चावल। चावल आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। चावलों को 3 से 4 बार पानी से वॉश करने के बाद 1 गिलास पानी में 10 मिनट के लिए भिगो देना है ढककर। जब तक चावल हमारे सेट होते हैं बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रेश भुट्टे के दाने लिए हैं। 1 कप हमने चावल लिए थे तो 1 ही कप हमें इस रेसिपी के लिए भुट्टे के दाने भी लेने हैं। इस रेसिपी के लिए आप फ्यूज़न कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुट्टे लेते समय बस एक बात का आप ध्यान रखें कि भुट्टे हमें अधिक पके हुए यानी कि टाइट दाने वाले नहीं लेने हैं, सॉफ्ट दूध वाले दाने लेने हैं। दानों को हमें हल्का सा क्रश कर लेना है, तो आप इसे चॉपर में क्रश कर सकते हैं, खल इमाम जस्ते में, सिलबट्टे पर या फिर मिक्सी में 1-1 सेकंड रुक रुक कर चलाते हुए भी क्रश कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैंने इतना मोटा मोटा रखा है, इसे बारीक बारीक हमें नहीं करना है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। एक गहरे मोटे तले के बर्तन में लेंगे 6 कप पानी। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी बाउल, कप या फिर ग्लास सेट कर सकते हैं और उसी से सभी चीज़ों को नाप कर लें तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये वही कप है जिसे मैंने चावल और कॉर्न को नापा था। अब पानी में डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 5 लौंग, 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच देसी घी या कुकिंग ऑयल, 1/2 नींबू का रस। नींबू से बीजों को मैंने पहले ही हटा लिया है। अब सभी को मिक्स करने के बाद ढककर 1 उबाल आने तक पकने देंगे। जब पानी में 1 उबाल आ जाए तब इसमें भीगे चावलों को डाल देंगे। चावल डालने से पहले चावल से पानी को हटा दें। गैस की फ्लेम को अभी हाई पर रखा है मैंने, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब पानी में उबाल आने लगे तब गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसे बिना ढके बीच बीच में चलाते हुए 80% तक कुक कर लेंगे। थोड़ी देर बाद इसे आप हाथों से दबाकर चेक करके देख सकते हैं, चावल अधिक गलने नहीं चाहिए, थोड़े से टाइट रहने चाहिए। 80% तक कुक करने के बाद गैस को ऑफ करके इसे एक छन्नी में डालकर पानी को चावल से अलग कर लेंगे। आप इसे सूती महीन कपड़े से छान सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं। इस रेसिपी के लिए हमें इसी तरह के खिले खिले चावल चाहिए, तो अब इसे छन्नी में कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और चावल भी हमारे थोड़े ठंडे हो जाएँ। अब फिर से गैस ऑन करके पैन या कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी या बटर। जब घी या बटर मेल्ट होकर मीडियम गर्म हो जाए तब इसमें हम तड़के में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च। जीरा के चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक। अदरक को ग्रेट करके ही डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अदरक को हम थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1 कप बारीक कटी प्याज। प्याज, कॉर्न और चावल को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गार्लिक पेस्ट, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच के करीब कटी पुदीने की पत्तियाँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बटर आपके पास है तो ज़रूर डालें, इसमें पुदीने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 50 सेकेंड भूनने के बाद ही इसमें ऐड कर देंगे क्रश किए हुए भुट्टे के दाने। 2-4 बार चलाने के बाद ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे रेसिपी में अच्छा कलर आता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, बट आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला। सभी मसालों को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट भुट्टे को ढककर या फिर खुला ही थोड़ा सा कुक कर लेंगे जिससे भुट्टे का कच्चापन दूर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी रेसिपी आप सबके लिए लाती रहती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्न हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, मसालों से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। चावल हमारे थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं, हो सके तो चावल को ठंडा करने के बाद ही इसमें डालें, इससे क्या होगा चावल हमारे टूटेंगे नहीं। अब सभी को आपस में हल्के हाथों से स्पैचुला को चलाते हुए मिला लेंगे।
आप इस रेसिपी को कॉर्न फ्राई राइस कह सकते हैं या फिर कॉर्न वेज बिरयानी भी कह सकते हैं। खाने में ये इतने टेस्टी होते हैं कि इसे खाने के बाद आपका पेट तो भरेगा पर मन नहीं भरेगा। एक बार बनाने के बाद जल्द ही आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। जब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब इसे लो फ्लेम पर ढककर 2 मिनट और कुक कर लेंगे, जिससे सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पर आप नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, हमारे कॉर्न वेज बिरयानी बनकर तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसे आप बनाकर गर्मा गर्म खा सकते हैं या फिर थोड़ा ठंडा करके भी खा सकते हैं। वैसे तो इस रेसिपी के साथ किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहें तो इसके साथ तड़के वाला रायता या फिर मसालेदार दही भी ले सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आगे भी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किरण्स कुकिंग जोन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।